धर्म ग्रंथों में माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। इस बार ये पूर्णिमा 9 फरवरी रविवार को है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और जरूरतमंदों को दान करने का धार्मिक महत्व भी है। इस तिथि पर कौन कौन से शुभ काम करने चाहिए जिससे जीवन में खुशहाली बनी रहे, आइए जानते हैं। पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। माना जाता है कि भगवान की कथा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। रविवार सूर्य देव की पूजा के लिए विशेष माना गया है, इसलिए इस दिन सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर उगते सूरज को अर्घ दें। माघी पूर्णिमा की सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करें और जरूरतमंदों को कंबल, जूते, तिल के लड्डू का दान करें। माघी पूर्णिमा की शाम को तुलसी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं, साथ ही एक दीपक पीपल के नीचे भी रखें। दीपक रखने के बाद सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रदेव हैं, इसलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा कर सफेद मिठाई या दूध का भोग लगाएं। इससे चंद्रमा से संबंधित दोष दूर होते हैं और मानसिक तनाव कम होता है। एशियानेट न्यूज़ हिंदी की रिपोर्ट।